फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज। मैं इंदु यादव और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फिस्टुला की ट्रॉली कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उनके क्या नेम हैं और उनके क्या यूजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनी ट्रे, टॉवल क्लिप, टू बाउल्स, वन बाउल इन सलाइन एंड सेकेंड बाउल इन बिटाडीन, प्रोक्टोस्कोप used and visualize the inner part of the structure, disposable proctoscope, इसे हम हर एक patient में new use करते हैं, इससे easily visualize होता है कोई भी fistula, BP handle, 3 number BP handle हमने लिया है, इसमें 11 number and 15 numbers की blades का use करेंगे, 3 forceps लिए, plain forceps, tooth forceps and another प्लेन फोर्सेप्स, देन सीजर्स, दिस इज ए थ्रेड कटिंग सीजर, ये स्ट्रेट सीजर है इसलिए इसे थ्रेड कटिंग में यूज करते हैं, कर्व सीजर, ये फाइन रहती है एंड लॉन्ग, जब भी डीप में या लॉन्ग में हमें जाना रहता है फिशुला डिसेक्शन के लिए तो हम इस लॉन्ग सीजर्स का यूज करते हैं, दिस इज ए टिश्यू कटिंग सीजर ऑल्सो, मॉस्किटो आर्ट्री फोर्सेप, मॉस्किटो आर्ट्री फोर्सेप होल्ड द ब्लड वेसल्स एंड डिसेक्शन के यूज में लेते हैं, मिडिल आर्ट्री फोर्सेप ये भी ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए और डिसेक्शन के लिए यूज करते हैं, 3 हमने रॉबर्ट्स लिए, ये लॉन्ग आर्ट्री फोर्सेप भी कहलाते हैं, देन एलिस, एलिस फोर्सेप होल्ड द टिश्यूज, बैबकॉक, 2 बैबकॉक फोर्सेप्स लिए, स्पंज होल्डर पेन ड्रिप करने के लिए स्पंज होल्डर फोर्सेप, देन लैंगिंग बैग रिटैक्ट करने के लिए टू रिट्रैक्ट द स्किन एंड टिश्यू, ये भी लैंगिंग बैग है टिश्यू को रिटैक्ट करने के लिए एंड स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए, डीप्स मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए हमने ये 1/2 inch के डीवर्स लिए हैं, इनकी जो विथ है वो 1/2 inch की है ताकि रेक्टल में इजिली हम विजुलाइज कर सके इसके रिट्रैक्शन के थ्रू, राइट एंगल्स फोर्सेप, राइट एंगल से हम जो भी फिस्टुला रहता है उसमें उसको डिसेक्शन करने के लिए हम राइट एंगल का यूज करते हैं, सक्शन सक करने के लिए सक्शन कैनुला, 2 हमने निडिल होल्डर्स लिए हैं 20 and 30 के लिए निडिल होल्डर, और ये है बटरफ्लाई, फिस्टुला सर्जरी के लिए मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो बटरफ्लाई, प्रोक्टोस्कोप एंड डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप जिसे स्लिट प्रोक्टोस्कोप भी कहते हैं, एंड IFT इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, ये 6 नंबर की हमने 6 नंबर की IFT ट्यूब ली है, फिस्टुला जो भी एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है 2 ऑर्गन्स के बीच में उस ऑर्गन्स में कहाँ तक फिस्टुला है उसको विजुलाइज करने के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बटरफ्लाई कैनुला का यूज करते हैं, उसके बाद हम उसमें IFT डाल के हम इसमें जो भी जैसे कि इंक है ब्लू इंक है उसको डालते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ तक फिस्टुला गया है, इसलिए उसके यूज के लिए हम IFT का यूज करते हैं और बटरफ्लाई कैनुला को यूज करते हैं, इसके अलावा हमने कॉटन एंड वॉच पीस भी लिया है, तो इट इज़ ए कम्प्लीट ट्रॉली फॉर द फिस्टुला, इसे हम अगर हेमरॉइड सर्जरी भी जो होती है उसके लिए भी हम सेम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन हमारी OT में फिस्टुला और हेमरॉइड बोथ जो है ना सर्जरीज होती हैं, क्योंकि इन इंडिया अगर देखा जाए तो 80-90% लोगों को हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम्स रहती है, तो इट इज़ ए कम्प्लीट ट्रॉली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ये भी कमेंट्स करिएगा अगर आपको किसी और सर्जरी की वीडियोस चाहिए, किस तरीके से ट्रॉली लगाते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन कर सकूँ और आपको न्यू वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू क्लास।